हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज ना मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। ये लुक क्रिएट करना ना बहुत ही आसान है। आप ये लुक किसी भी शादी पार्टी या फेस्टिव सीजन में इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की हूँ। तो सबसे पहले ना मैं अपने स्किन को प्रेप करूँगी। तो उसके लिए ना मैं ये लैक्मे का सीरम यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा स्किन जो है ना थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाए। नेक्स्ट मैं ना ये हिमालया का क्रीम मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा बेस ना अच्छा बने। उसके बाद मैं ये इनसाइड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्ट करे और फाउंडेशन केकी ना हो, काला ना हो। तो इसके लिए ना मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ये फिटमी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी। इसका सेट नंबर है 115। तो इसे मैं अपने थोड़े से हाथ पे लेकर उसके बाद ही ऐसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे डिपॉजिट करके देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी। तो इसे ना अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड करें, थोड़े से ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से इसे ब्लेंड करें, ताकि आपका मेकअप केकी ना लगे और अच्छे से आपके स्किन पे नेचुरल सा लगे। ऐसा ना लगे कि आप भर भर के मेकअप कर रखे हैं, इसलिए आप अच्छे से इसे ब्लेंड करें। उसके बाद फिर ना मैं इनसाइड का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं अपना पिंकिस ग्लोइंग चीक को बनाने के लिए ना ये ब्लू हेवन का लिप एंड चीक टिंट है, तो उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। देन मैं ये हिमालय का लिप बाम लगाई हूँ, ताकि मेरा जो लिप है थोड़ा तो मॉइस्चराइज हो जाए। देन मेरे पास ना ये एक ADS का आईब्रो किट था, तो इसे मैं अपना आईब्रो बना ली हूँ। फिर मैं ये ना किस प्रेटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और इसे ना मैं अपने अच्छे से आईब्रो को शेप देकर इसके बाद ना इसे मैं अपने आईज पे भी लगा रही हूँ, ताकि जब मैं आई शेडो लगाऊँ ना तो उसका कलर अच्छे से उभर कर आए। देन मैं इसे ना इनसाइड के ही कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर ले रही हूँ। फिर मेरे पास ना ये कौन सी कंपनी का था आई शेडो पैलेट, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसे इसमें से ना मैं ये रेड कलर को लेकर एक क्रीज लाइन बना रही हूँ। फिर ना मेरा साड़ी का कलर ना ब्लू कलर का है, तो इसमें से ना मैं ये ब्लू कलर का लेकर इसे अच्छे से अपने आईज पे ऑल ओवर आईज पे ब्लेंड कर रही हूँ। देन ना उसी कलर का मैं ग्लिटर आई शेडो लेकर फिर मैं उसी पे इसे डिपॉजिट करूँगी। तो मैं ये ग्लिटर लेकर अच्छे से इसे अपने पूरे आईज पे डिपॉजिट करूँगी, ताकि ना मेरा आईज का कलर है जो थोड़ा उभर कर आए। फिर मेरे पास ना ये मैक का आईलाइनर है, पेंसिल आईलाइनर है, तो मैं इससे अपना आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। तो मेरा आईलाइनर लग गया है। मेरे पास ना ये मेबलिन का काजल है, तो इसे मैं एकदम पतला सा लाइन काजल का लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर आई शेडो जो मैं रेड कलर का ली थी ना, उसे ही मैं अपना काजल के नीचे इसे अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ। देन मेरे पास ये डार्क मैरून कलर है, इससे ना मैं अपना लिप को लाइन करूँगी। देन मेरे पास ना ये 2-in-1 लिपस्टिक है, इसमें ना एक साइड ब्लूट लिपस्टिक और एक साइड लिक्विड लिपस्टिक है। तो मैं इससे ना अपना लिपस्टिक लगाई हूँ। देन मैंने एक बिंदी लगा ली हूँ, और मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी ना, तो मैं बाद में मस्कारा लगा रही हूँ। एंड इसी से मेरा लुक कंप्लीट हो जाता है। अब मैं एक नेक पीस पहनूँगी, एंड बस मेरा ये लुक फाइनल हो गया है। तो ये लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।